जैन साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। आइए पढ़ते हैं आज की इस खास खबर की। अभी आपने देखा जब पंजाब में चुनाव होना था तो उन्होंने वहां पर भी फ्री बिजली का झांसा देकर अपना चुनाव जीता। अब वो गुजरात पहुंच गए, गुजरात में भी उन्होंने यही वाली बात कही कि हम फ्री बिजली देंगे। वहां लोगों से पूछा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया, जी हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि पंजाब का क्या हाल हो रहा है और दिल्ली को तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है अपनी सत्ता की लालच में। तो अब जो उन्होंने एक नया फरमान शुरू करा है कि 1 अक्टूबर से बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी घटा रहे हैं, और सब्सिडी ये उन्हीं को दे रहे हैं जो चाहते हैं। मतलब वो लोगों से, जनता से पूछेंगे कि आपको सब्सिडी चाहिए क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जनता है वो बिजली दफ्तर के चक्कर काटेगी, क्योंकि उन्होंने कहा जिसे चाहिए वो फॉर्म भरेगा, आवेदन फॉर्म भरेगा, और जिसे नहीं चाहिए वो भी फॉर्म भरेगा। तो मैं समझती हूँ जो ये 200 यूनिट फ्री बिजली का वो झांसा दे रहे हैं लोगों को, तो इससे अब वो फायदा क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ वो यही देख रहे हैं ना कि मैं बंद कैसे करूँ सब्सिडी। अब जो वो वादे से खरे तो उतर नहीं पा रहे हैं, और इस तरह की वो लालसा दोबारा रख रहे हैं कि मैं ऐसी लोगों के सामने ये चीज प्रेषित करूंगा कि मैं उन्हीं लोगों को सब्सिडी दूंगा जो इस कैटेगरी में आएंगे और जो चाहते हैं। और 200 से ऊपर यूनिट जो दे रहे हैं, 400 यूनिट तक, उनको वो बिजली बिल के अकॉर्डिंग 800 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये फ्री बिजली आप दे रहे हैं लोगों को? फ्री पानी दे रहे हैं क्या आप लोगों को? आज पानी क्या आ रहा है यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को पीलिया हो रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इस तरह के आप झूठे लुभावने वादे क्यों कर रहे हैं जनता के साथ? मैम, पहले जब दिल्ली सरकार बनी थी उस टाइम फ्री वादे करे गए थे लोगों से और लोगों को बिजली भी फ्री मिली गई थी, मगर अब उनके ऊपर रेट बढ़ाया जी। रेट वो किस पे बढ़ा रहे हैं? रेट तो वो जो लोग कमर्शियल है उनसे ले रहे हैं, छोटे जो जिनसे उन्हें ये दरकार है कि ये वोट हम ही देंगे, हमको ही देंगे, जिनके पास एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, 200 यूनिट से कम उनकी बिजली जाती है, तो वो इन्हीं लोगों को सिर्फ लुहावने वादे दे रहे हैं। फ्री बिजली का मीनिंग क्या है, उनके मायने क्या है फ्री बिजली के उनके आगे? वो तो इसकी टोपी उसके सर करने वाली बात कर रहे हैं। सरकार बिजली के दाम कम करने को लेकर के दिल्ली में सरकार बनाई कि हम बिजली फ्री देंगे, और आज ये बिजली फ्री नहीं दे रहे बल्कि 6% बिजली बढ़ा दी गई है। कंपनियों के साथ, बिजली कंपनियों के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने, ये वोट बैंक की राजनीति है। अब ये कहते हैं कि भाई जो सब्सिडी मांगेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, ये कौन सा मापदंड है? यानी इसका मतलब है कि जो लोग मांगेंगे वो इनके आगे भीख मांगेंगे, हाथ फैलाएं इनके आगे, और ये अपना वोट बैंक पक्का करें। ये हर तरह से दिल्ली की सरकार फेल है, बिजली पूरी तरह से आ नहीं रही है, हर तरह से चारों तरफ घोटाला, और इनके जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जो है अभी भी घोटाले के अंदर है। इनके मंत्री सब भ्रष्ट हैं, और ये ईमानदारी के लोग ईमानदारी के लिए आए थे कि हम दिल्ली के अंदर एक स्वस्थ सरकार देंगे, लेकिन स्वयं सरकार नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति कर रही है, और वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण की इनकी राजनीति है।